करवा चौथ से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में महिलाएं त्योहार की तैयारियों में जुटी हुई हैं। सदियों पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए महिलाएं चूड़ियां, कपड़े, पूजा की थालियां और दूसरे सामान खरीदने के लिए बाजारों में बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। करवा चौथ के त्यौहार की उत्तर भारत में खास अहमियत है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और बेहतरी के लिए पूजा और प्रार्थना करती हैं। महिलाएं सूरज उगने से लेकर रात में चांद निकलने तक बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए मुश्किल व्रत रखती हैं। वे चंद्रमा को देखने के बाद ही अपना व्रत खत्म करती हैं। करवा चौथ में एक्चुअली वाइफ्स अपनी पतियों के लिए व्रत रखती हैं पूरा दिन भूखे प्यासे, ठीक है, और रात को वो पूजा करती हैं, ठीक है। और ये वहाँ पे स्नान भी है बहुत सारा, वो रात को चांद को देख के व्रत खोलती हैं अपने। इसमें मतलब कि बहुत सारी लेडीज चूड़ियाँ, मतलब कि बिंदी, सिंदूर, नया नया सारा सामान खरीदती हैं, सूट हो गए और कलीरे हो गए। करवा चौथ का जो बेसिकली फेस्टिवल है ये मेनली नॉर्दर्न इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो करवा चौथ जो है ये कार्तिक के महीने में सेलिब्रेट होता है, मीन्स मंथ ऑफ अक्टूबर। तो इसमें जो वर्ड है करवा और चौथ, करवा का मतलब होता है अर्दन पॉट यानी मिट्टी का घड़ा, और चौथ मीन्स चौथा दिन यानी फुल मून। जब हमारा स्टार्ट होता है, फुल मून नाइट्स होती है, उसमें जो फोर्थ नाइट होती है उस दिन करवा चौथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में मेजरली सेलिब्रेट होता है, जिसमें कि मैरिड वुमेन्स अपने हस्बैंड्स के लिए फास्ट रखती हैं फॉर देयर लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। ये दिन स्पेशल होता है तो सारे नई चीजें लेनी पड़ती है, मिठाई वगैरह लेते हैं, कपड़े, नए शूज, फिर इयररिंग्स, ड्रेस हो गया, और साथ में इकट्ठी फोटो भी निकालते हैं, फोटोशूट करते हैं। एक ही दिन मिलता है, व्रत रखना होता है पूरे दिन, कुछ नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। त्योहार से पहले मेहंदी आर्टिस्टों का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। हथेलियों पर बेहतर डिजाइन और सुंदर पैटर्न की मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की कतार लगी हुई है। साल भर में आता है 20 तारीख को है। तो क्या क्या तैयारियां करते हैं? सब चीज जितना भी मार्केट में आएगा लेडीज के लिए तो सारा चीज है, चूड़ी है, मेहंदी है, हर किस्म चीजें है, कपड़े है, हर चीज है। तो आप कितना उत्सुक है इस त्योहार के लिए? बहुत, सबसे बड़ा त्योहार तो यही होता है करवा चौथ। हम लोग को वही पूजा पाठ सब करते हैं, सब थाली सजाते हैं, चंद व्रत भी रखते हैं। श्रीनगर में हिंदू बड़ी तादाद में रहते हैं। यहाँ हर बार करवा चौथ का त्योहार खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है।